एक्ट्रेस और सिंगर अनुषा दांडेकर काफी पॉपुलर है। वह अपने दिलकश अंदाज से लोगों के होश उड़ा देती है। सोशल मीडिया पर वह अपने ऐसे बेहतरीन फोटो और रील्स अपलोड करती है जिन्हें देखकर इंटरनेट का पारा हाई हो जाता है। उनके चाहने वाले भी आहें भरने लगते हैं। वह वेस्टर्न और एथनिक दोनों में ही आउटफिट्स में कहर ढाती रहती है। कोई भी मौका वह नहीं गवाती। एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की जिसने आपकी निगाहें शायद ही हटेंगी। अनुषा दांडेकर कभी समंदर किनारे इठलाती हुई दिखाई देती है तो कभी स्विमिंग पूल में मछली बनकर आग लगाती हुई नजर आती है। कभी तो वो टॉपलेस होकर फोटोशूट भी करती है जिन्हें देख फैंस की आंखें ही खुली रह जाती है। अब इन्होंने इंस्टाग्राम पर 5 फोटो शेयर की है और उनका बिकनी फोटोशूट है ये। इसमें उन्होंने एक जैकेट भी पहना हुआ है। इन तस्वीरों में अनुषा कमाल की लग रही है। लोग भी इन तस्वीरों को देखने के बाद उफ कह रहे हैं, उनकी अदाओं के दीवाने हो रहे हैं। अनुषा दांडेकर के इंस्टाग्राम पर 1.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। यहाँ वह अपने जलवे बिखेरती रहती है और सभी के होश उड़ा देती है। कुछ दिनों पहले एक्ट्रेस के बारे में ये खबर आई थी कि उन्होंने एक नन्ही सी बच्ची को गोद लिया है, लेकिन बाद में इस खबर को एक्ट्रेस ने खुद सिरे से खारिज कर दिया था और उस बच्चे की असली माँ और दादी का नाम भी बताया था। अनुषा दांडेकर को अक्सर करण कुंद्रा की एक्स कहकर भी बुलाया जाता है। दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद ब्रेकअप कर लिया था। पिछले साल 2021 में भी ये खबर आई थी कि वह बिग बॉस 15 में बतौर पार्टिसिपेंट एंट्री करेंगे। उस दौरान घर में इस बात की हलचल भी थी कि वह आ रही है। तेजस्वी प्रकाश भी बड़े चाव से उनके बारे में बात कर रही थी, हालांकि वह शो में नजर नहीं आई। नितेश ठाकुर की रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।